कायड़ विश्राम स्थली पर हुआ मेडिकल कैंप का शुभारंभ। मुस्लिम समाज के लोगों ने दी उर्स में आने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस वैन की भी सुविधा। 806वें उर्स मेले में आने वाले व कायड़ विश्राम स्थली पर रुकने वाले जायरीनों के लिए समाज के लोगों द्वारा मेडिकल कैंप लगवाया गया है, ताकि जिस भी जने की तबीयत नरम हो उसका तुरंत इलाज हो सके। इसके साथ ही एम्बुलेंस वैन की भी सुविधा कराई गई है। बात यह है कि ये मरकज ऐसा मरकज है जिसने कौमों को, इंसानों को जोड़ने का काम किया, और यहाँ जो आदमी सही नीयत के साथ आए ये मुमकिन नहीं है कि फैज़ हासिल ना हो उसे। तो हम ये समझते हैं कि इस देश में आप ही के मिशन को लेकर शांति हो सकती है, और इस्लाम का जो सही पैगाम है दोस्ती का, अमन का, सलामती का और मानवता का, बराबरी का, वो पैगाम इस दरबार से, इस दरगाह से, इनकी शख्सियत से, इनके कारनामों से, इनके तरीक़ों से मिलता है। जो लोग इनके तरीक़ों पे चलेंगे वो राह नजात पाएंगे। और आज मुल्क में जो तनाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उस तनाव के माहौल में भी अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो इन्हीं के तरीक़ों को हजरत, इनको मैं ये कहा सुल्तानुल हिंद, के वो एक तरफ दिल्ली की गौरी थी, दूसरी तरफ पृथ्वीराज का अजमेर था। तो इन्होंने पृथ्वीराज के अजमेर को इख्तियार किया था, और उनकी तलवार एक आदमी के दिल को नहीं बदल सकी, इन्होंने लाखों के दिलों को बदल दिया। आज करोड़ों लोगों की अकीदतों का मरकज़ हैं। तो रास्ता यही है, रास्ता यही है। अभी उर्स के मौके पर कुछ आपकी जमीयत की तरफ से भी व्यवस्था जी, जमीयत उलमा हिंद मेडिकल का कैंप लगाएगी, एम्बुलेंस भी, पिछले साल भी कुछ एम्बुलेंस लाए थे, अभी दो एम्बुलेंसें लेकर आए हैं, इसी बात के लिए कि ये 12 महीने यहाँ रहे। और हमारी ये नियत है, आप लोगों का सहयोग और साथ मिलेगा तो यहाँ परमानेंट एक मेडिकल का कुछ काम शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ मदद की जाती नहीं है? नहीं, 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 नहीं